गुड मॉर्निंग। आज हम मैट्रिसेस इस टॉपिक का लेक्चर नंबर 5 देख रहे हैं। इस लेक्चर में हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो लेट अस सी, फर्स्ट इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का फॉर्मूला ए रेस टू -1 इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन टू एडजॉइंट ऑफ ए, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का फॉर्मूला है। तो लास्ट लेक्चर में हमने एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है उसके बारे में जानकारी ली। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करते वक्त हमें दो चीज़ें ज़रूरी हैं। एक है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मैट्रिक्स ए दिया होता है तो उसका हमें पहले डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, और दूसरी चीज़ है वो एडजॉइंट ऑफ ए। इनवर्स ऑफ ए फाइंड आउट करते वक्त एक चीज़ जहन में रखे कि डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू नॉन जीरो, मतलब जीरो नहीं चाहिए। इधर एक प्लस या माइनस वैल्यू आनी चाहिए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू नॉन जीरो चाहिए और हमें एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है। तो लेट अस सी फर्स्ट एग्जांपल, फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए दिया हुआ है हमें, उसकी फर्स्ट रो 4 3 और सेकेंड रो जो है वो 3 2 है। मतलब दिया हुआ मैट्रिक्स जो है इसमें दो रो और दो कॉलम है, मीन्स इसके ऑर्डर 2 by 2 है और इसका हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट हम इनवर्स के फॉर्मूले के अनुसार डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। मतलब जो कुछ मैट्रिक्स ए दिया हुआ था उसके पूरे एलिमेंट डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख लेते हैं। मतलब जो है दो वर्टिकल बार्स के बीच में फर्स्ट रो 4 3 और सेकेंड रो 3 2 लिख लिया हमने। अब डिटरमिनेंट ए फाइंड आउट करते वक्त हम क्या करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट दैट इज 4 और 2 हैं उनका मल्टीप्लाई किया तो आने वाला आंसर 8 होगा, माइनस सेकेंड डायगोनल 3 और 3 दोनों का मल्टीप्लाई किया तो आने वाला आंसर 9 होगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू जो है वो 8 -9 दैट इज -1, देयरफॉर डिटरमिनेंट ए की वैल्यू -1 आ गई। अब हमें एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए का लास्ट लेक्चर में हमने फॉर्मूला देखा था, ट्रांसपोज ऑफ को फैक्टर मैट्रिक्स। मतलब हमें को फैक्टर मैट्रिक्स चाहिए। मतलब मैट्रिक्स ए में जितने एलिमेंट हैं, जो 4 एलिमेंट है वो चारों एलिमेंट के हमें को फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो सिक्वेंसली हम जाते हैं, पहला एलिमेंट जो 4 है उसका को फैक्टर दैट इज 4, जो एलिमेंट है वो पहले रो का है और पहले कॉलम का है तो C11 फाइंड आउट करेंगे हम। फर्स्ट रो का और फर्स्ट कॉलम का को फैक्टर दोनों के एडिशन करने के बाद 1 + 1 2 आ जाएगा। तो मतलब इवन नंबर्स है तो हम प्लस साइन लेते हैं, अगर ऑड होगा तो माइनस साइन लेते हैं, ये हमारी मेथड है। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया तो बचा हुआ जो एलिमेंट है 2 हम एज इट इज लिख लेते हैं। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जो को फैक्टर है वो आ जाएगा 2। अब सेकेंड एलिमेंट जो 3 है उसकी पोजीशन है वो फर्स्ट रो में और सेकेंड कॉलम में है तो दोनों के एडिशन करने के बाद 1 + 2 3 आ जाएगा तो माइनस साइन देंगे हम। और फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम छोड़ दिया तो बचा हुआ एलिमेंट जो है वो 3 है, एज इट इज लिख लिया हमने। तो 3 इस एलिमेंट का को फैक्टर जो है वो -3 आएगा। अब सेकेंड रो का पहला जो एलिमेंट है वो 3 है और उसकी पोजीशन सेकेंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है तो हम माइनस साइन देंगे और वो रिस्पेक्टिव रो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया तो एलिमेंट 3 बच जाएगा। लास्ट 2 जो है वो सेकेंड रो का है और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है, दोनों की एडिशन करने के बाद आने वाला आंसर 4। इवन नंबर्स है तो प्लस साइन देंगे और सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम छोड़ दिया हमने तो एलिमेंट जो है वो 4 आ जाएगा। देयरफॉर हम को फैक्टर्स मैट्रिक्स लिख लेते हैं। तो फर्स्ट रो के एलिमेंट 2 और -3 होगी, 2 और -3, और सेकेंड रो के एलिमेंट -3 और 4। यहां से हम एडजॉइंट ऑफ ए लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला है ट्रांसपोज ऑफ को फैक्टर मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मतलब हमने इससे पहले लेक्चर में देखा है जो रो है उसे कॉलम हमें इंटरचेंज करने हैं। मतलब फर्स्ट रो जो है 2 -3 उसे फर्स्ट कॉलम लिखेंगे और सेकेंड रो जो है वो -3 4 उसे सेकेंड कॉलम। मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लिख दिया और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम लिख दिया, ये हुआ एडजॉइंट। मतलब यहां से हमने डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू -1 एंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट किया। अब ये दोनों वैल्यू हम
इनवर्स के फॉर्मूले में लिख लेते हैं, फॉर ए इनवर्स इक्वल्स टू वन अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू जो है वो माइनस वन है और एडजॉइंट ऑफ ए का मैट्रिक्स लिख लिया, अब वन अपॉन माइनस वन इसका आंसर आएगा माइनस वन, मतलब माइनस वन से हमें मैट्रिक्स ए जो है वो एडजॉइंट ऑफ ए जो है उसके हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है, मतलब माइनस वन से माइनस टू को मल्टीप्लाई किया, टू को मल्टीप्लाई किया माइनस टू आएगा, माइनस थ्री से माइनस वन को मल्टीप्लाई प्लस थ्री हो जाएगा, ये माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाय माइनस वन प्लस थ्री, और माइनस वन को चार से मल्टीप्लाई किया तो माइनस फोर हो जाएगा। ये था इनवर्स, मतलब सिंपल टर्म्स है इनवर्स का जो फॉर्मूला है उसमें डिटरमिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए दो वैल्यू हमें चाहिए, तो मैट्रिक्स ए दिया हुआ था उससे हम डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट किया और कोफैक्टर्स फाइंड आउट करके उससे हमने एडजॉइंट फाइंड आउट किया और फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। ये था टू बाई टू मैट्रिक्स। लेट अस सी अनदर एग्जांपल, फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू, फर्स्ट रो में लिखा हुआ है वन माइनस वन जीरो, सेकेंड रो में जीरो वन और वन, और थर्ड रो में वन टू और वन, मतलब यहाँ पे तीन रो और तीन कॉलम का मैट्रिक्स है, मतलब टोटल जो एलिमेंट है वो नौ एलिमेंट है। तो हमें इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए पहले डिटरमिनेंट की वैल्यू जरूरी है, तो फर्स्ट हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे और बाद में नौ को फैक्टर हम फाइंड आउट करेंगे, सी वन वन सी वन टू सी वन थ्री, फर्स्ट रो के तीन, सेकेंड रो के तीन सी टू वन टू टू और टू थ्री, और थर्ड रो के तीन, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम सी थ्री वन थ्री टू और थ्री थ्री। पहले हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं, फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज लिख लिया हमने, उसकी रो और कॉलम छोड़ दिया तो बचे एलिमेंट वन वन टू वन, मिडल साइन हम हमेशा माइनस देते हैं, सेकेंड एलिमेंट माइनस वन एज इट इज लिख लिया, वो फर्स्ट रो में और सेकेंड कॉलम में एलिमेंट छोड़ दिए तो बचे एलिमेंट जीरो वन वन और वन, और लास्ट एलिमेंट जो है वो जीरो है प्लस जीरो, वो फर्स्ट रो का और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है वो एलिमेंट छोड़ दिए तो बचे हुए एलिमेंट जीरो वन वन और टू डिटरमिनेंट में लिख लेते हैं, दैट इज इक्वल टू वन एज इट इज, वन को वन से मल्टीप्लाई किया वन, मिडल साइन माइनस देते हैं हम टू इंटू वन दैट इज टू, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा प्लस वन, जीरो इंटू वन जीरो, माइनस वन मल्टीप्लाई बाय वन दैट इज वन, प्लस जीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग, जीरो से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया है तो आने वाला आंसर जीरो होगा, दैट इज इक्वल टू इसका आंसर माइनस वन होगा फर्स्ट टर्म का और सेकेंड टर्म का आंसर माइनस वन है, फॉर डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है वो माइनस टू आ जाएगी। तो अब हमें एडजॉइंट चाहिए, उसके लिए हमें कोफैक्टर चाहिए, तो सी वन वन फाइंड आउट करते वक्त हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ देते हैं, दोनों की एडिशन टू आती है तो प्लस साइन देंगे हम, और बचे हुए एलिमेंट ए में के, अगर चाहिएगा तो आप पहले मैट्रिक्स ए लिख ले, वीडियो को पॉज कर ले और मैट्रिक्स ए साइड में लिख ले और उसके हिसाब से रिस्पेक्ट टू रो और कॉलम डिलीट करते जाएं। तो सी वन वन को पहले प्लस साइन देंगे, दोनों के एडिशन से प्लस साइन आएगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे हम तो बचे हुए एलिमेंट मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में लिख लेते हैं, दैट इज वन मल्टीप्लाई बाय वन माइनस टू इंटू वन दैट इज टू, देयरफॉर सी वन वन की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन। सेम सी वन टू, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम छोड़ देंगे माइनस साइन देने के बाद, क्योंकि दोनों के एडिशन करने के बाद तीन आ जाता है वो ऑड नंबर है तो माइनस, दोनों के एडिशन करने के बाद इवन आ जाएगा तो प्लस, ऑड आता है तो माइनस, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम छोड़ दिया तो बचे एलिमेंट जीरो वन 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 लिख दिए, माइनस जीरो इंटू वन दैट इज जीरो, माइनस वन इंटू वन दैट इज वन, देयरफॉर सी वन टू का आंसर आ जाएगा वन। अगला फर्स्ट रो का और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, फर्स्ट रो का आखिर का एलिमेंट, प्लस साइन दे दिया और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दिया तो बचे हुए एलिमेंट जीरो वन वन और वन दैट इज प्लस, जीरो इंटू वन जीरो, माइनस वन इंटू वन दैट इज वन, देयरफॉर सी वन थ्री का आंसर माइनस वन आ जाएगा। को फैक्टर मैट्रिक्स की पहली जो रो है उसमें माइनस वन वन और माइनस वन एलिमेंट होंगे, सेकेंड रो के एलिमेंट सी टू वन माइनस साइन देंगे हम क्योंकि ऑड नंबर आता है टू प्लस वन थ्री, तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया बचे एलिमेंट माइनस वन जीरो टू वन, तो सी टू वन का आंसर होगा वन। सेम सी टू टू, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट प्लस साइन दे दिया क्योंकि दो और दो चार हो गए, इवन नंबर है प्लस साइन, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम छोड़ दिया तो बचे हुए एलिमेंट वन जीरो वन वन, तो सी टू टू का आंसर आ जाएगा वन। और अंत में सी टू थ्री, सेकेंड रो का आखिर का एलिमेंट माइनस साइन दे दिया
तो सी 2, 3 का आंसर जो है वो -3 होगा। तो सेकेंड रो के एलिमेंट को फैक्टर मैट्रिक्स के हैं 1, 1 और -3। और आखिरकार थर्ड रो के को फैक्टर C3, 1 प्लस साइन देंगे, बचे हुए एलिमेंट एज इट इज लिख लेंगे हम -1, 0, 1, 1। अगर इसका मल्टीप्लाई किया तो -1, -0, C3, 1 का आंसर -1 होगा। C3, 2 माइनस साइन देंगे, थर्ड रो और सेकेंड कॉलम छोड़ दिया तो बचे हुए एलिमेंट 1, 0, 0, 1। इसको एक्सपांड करने के बाद C3, 2 का आंसर आएगा -1। और C3, 3 दैट इज प्लस साइन दे दिया, बचे हुए एलिमेंट 1, -1, 0, 1 दैट इज प्लस 1 × 1, 1 -0 × -1 दैट इज 0, देयरफॉर C3, 3, 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार को फैक्टर मैट्रिक्स के फर्स्ट रो में -1, 1 और -1, सेकेंड रो में 1, 1, -3 और थर्ड रो में -1, 1, 1 ये हमारा को फैक्टर मैट्रिक्स हो गया। अब हमें एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूला ट्रांसपोज ऑफ को फैक्टर मैट्रिक्स, मतलब फर्स्ट रो जो है वो फर्स्ट कॉलम -1, 1, -1, सेकेंड रो जो है वो 1, 1, -3 उसे सेकेंड कॉलम कर दिया, और थर्ड रो जो है -1, -1, 1 उसे थर्ड कॉलम कर दिया। अब ए इनवर्स इक्वल्स टू 1/ डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है और वो है -2 पुट अप किया और एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स एज इट इज लिख लिया। देयरफॉर ए इनवर्स का आंसर जो है दैट इज -1/2 इनटू ए डिटरमिनेंट होगा। आई होप सो आज जो कुछ हमने पढ़ा इनवर्स जिसकी जानकारी ली हमने, तो आज का ये लेक्चर आपको जहन में आया होगा। तो ये नोट्स बनाते जाए इसके और ऐसे एग्जांपल खुद सॉल्व करते जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।